हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल को गंज में गरम कर लिया है। ये कटी हुई प्याज है, तेज पत्ता, काली मिर्च, सया जीरा, इलायची और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। इसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 चम्मच दही डाल के रखा है। 2 घंटे से ये मैरिनेट हो रहा था। इसको हम डाल देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे और कुकर में नहीं पकाएंगे, इसे हम गंज में पकाएंगे और 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये भाप में अच्छे से पक जाएगा। ये प्याज हमारी पिंक हो गई है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। आप चाहें तो इसमें प्याज पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने काट के डाली है, जो कि 4 बड़े प्याज कटे हुए हैं। अब इसमें हम इस मटन को ऐड कर देंगे। हरी मिर्च साबुत डाली हुई है और सारे मटन को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको ढक के हम 30 मिनट पकाएंगे और के ऊपर तवा रख दिया था। अब 25 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं ये हुआ है या नहीं। ये देखो, ये दम यखनी गोश्त बनके तैयार हो गया है। मसाला भी अच्छे तरीके से भुंज गया है और इसमें ये तेल साइड में आ रहा है, जिससे ये पता चल जाएगा। इसमें हमने लाल मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ हरी मिर्च बस डाली है और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाली है। ये देखें, ये बन के तैयार है और ये गोश्त, ये इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है और गोश्त बहुत अच्छे से पक गए हैं।